तो दोस्तों देख सकते हैं कितना फॉग है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, जो साइड मिरर होता है वो भी नहीं दिख रहा है सही से। तो ऐसे फॉग में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, इसको साफ कैसे करेंगे, वो चीज़ आप देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप बिगनर हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो कार से जुड़ा हुआ लेकर मैं आता रहता हूँ। तो अभी सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आपके गाड़ी में अगर इस तरीके का फॉग लग जाए, धुंधला सा, अगर आपके जो विंडो है उस पर आ जाए या बेंड स्क्रीन पर आ जाए, तो उसको कैसे साफ़ करना है, कैसे हटाना है, वो उससे अगर हाथ से या कपड़ा से हटाएंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पे अभी तो साफ़ हो जाएगी, लेकिन सूख जाने के बाद वहाँ पर दाग सा धब्बा सा हो जाता है जो नज़र आता रहता है। इसलिए इसे कपड़ा या पेपर से या साफ़ करने की कोशिश ना करें, इसे जो होता है, जो हमारे गाड़ी में ही सिस्टम होता है, उसे ये साफ़ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी साफ़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि गाड़ी का जो है स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स गाड़ी को मैं कर लिया हूँ स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आए, ये देख रहे हैं एसी का जो ये बटन है, तो नोब जो है ये एसी का कूलिंग का है, तो कूलिंग के तरफ ये जो इंटीग्रेशन है इसका, एसी का जो बटन है उसे भी ऑन कर दे। ये जो नोब लगा हुआ है इसको कूलिंग के तरफ करके रखे, इधर हॉट है, हॉट के तरफ ना रखे, कूलिंग के तरफ करके रखे, और यहाँ से ये जो रेगुलेटर देख रहे हैं इसको आप ऑन कर दे। और ये जो है विंड स्क्रीन की तरफ इसका जो इसको इस वाले पर ला दे, यहाँ वाले पे, इस पे पैर पे और मुंह पे, और इसको दो नंबर कर दे। और देखिए फ्रेंड्स ये कैसे, और यहाँ से स्टार्ट करके, और ये जो है इसको इधर विंडो की तरफ करके छोड़ दे। थोड़ा देर चलने के बाद फ्रेंड्स ये जो है देखिए धीरे धीरे साफ़ होने लगेगा। जैसे अभी एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे इस तरीके से साफ ये हो जाएगी फ्रेंड्स। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स मैं प्लस को बना दिया हूँ, अगर साफ़ हो जाएगा तो वो धीरे धीरे पता नहीं लगेगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स धीरे धीरे साफ हो रहा है। ये धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हैं कितना साफ़ हो गया अभी तक। तो ऐसे करके ये देखिए आगे जो विंड की तरफ जो होता है स्क्रीन पे वो भी साफ़ हो जाएगी। ये बाहर से मैं साफ़ कर दिया हूँ और अंदर से साफ हो गया है। और देखिए इधर है लगा हुआ थोड़ा, वो भी धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा फॉग, और इधर साफ़ हो गया क्योंकि जैसे जैसे ये कूलिंग वाला हवा जो है आगे की तरफ बढ़ता रहता है, धीरे धीरे असर करता है, उसे वैसे धीरे धीरे साफ होना स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो गाड़ी में जो होता है कि ऑक्सीजन भर गया होता है, इसके कारण ऐसे फॉग लगा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे ये भी साफ हो रहा है। अब देख सकते कितने साफ हो गया, और इधर वाला देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया था। यहाँ पर मैं प्लस के निशान लगाया था वो अब नहीं दिख रहा है, मतलब ये साफ़ हो चुका है बिल्कुल। तो आपके गाड़ी में कभी भी इस तरीके का फॉग आए तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ, कूलिंग की तरफ कर करके, और जो ये जो ब्लोअर है उसको एक नंबर या दो नंबर तीन नंबर, ये स्पीड के लिए होता है हवा का, तो एक नंबर दो नंबर या जितने नंबर पे करके रखेंगे उतना जल्दी करेगा। और ये कूलिंग की तरफ कर दे, और ये तो फोकस कहाँ लेना चाहते हैं हवा को, शीशा पे या पैर पे, उस तरीके से वहाँ पे कर दे। अगर विंड स्क्रीन के आपको ये सामने वाला शीशा के जैसे ये वाला हो गया, इसको अगर साफ़ करना है तो इसको विंड स्क्रीन की तरफ यहाँ पर कर दे, यहाँ पर करके इसको ये जो निशान है यहाँ पर लगा दे विंड स्क्रीन की तरफ। तो ये जो विंड स्क्रीन है उस पर, ये जो विंड स्क्रीन है इस पर का जो फॉग होता है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और आप गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर हो चुका है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी प्रकार से। और वीडियो देखने के लिए अगर आप बिगनर हैं तो चैनल के ऊपर जा कर के आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी अच्छी अच्छी वीडियो जो भी है वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स।